नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं रुपेश राज। प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियां जो है आज सड़कों पर है। बातचीत बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखें। जब जरूरत पड़ेगी, हमें पता है कि आप भी तैयार हैं आने के लिए, जब जरूरत पड़ेगी तो आपको भी बुलाएं। प्रोसेस चल रहा है, उसको हम कैरी ऑन करेंगे, देखेंगे। आपने देखा कि किस तरह से हमारी महिलाएं जो हैं, हमारे जो भाई हैं, वो अपने बच्चों के साथ किस तरह से, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये तस्वीरें जो आपने देखी, बीजेपी ऑफिस के बिल्कुल सामने जो एनवाईसी के एम्प्लॉयज हैं, वो अपनी मांगों को लेकर पिछले 15-20 दिन से लगातार प्रदर्शन पर है, लेकिन ना तो कोई सुनने वाला है, ना तो कोई देखने वाला है। एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देखें कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो है किस तरह से वहां पर रो रहे हैं, और महिलाएं किस तरह से इतनी गर्मी में वहां पर बैठी हुई है। एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे बड़ी दुख से ये चीजें कहना पड़ रही है कि इतनी गर्मी में महिलाएं अपने बच्चों के साथ, हमारे भाई जो है छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां पर बैठे हैं, इतनी गर्मी में छोटे बच्चे रो रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर उफ तक नहीं हो रहा। ये बड़े ही हमें भी दुख से कहना पड़ रहा है कि जब से जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी बनी है, तब से हालात जो है वो बदतर होते चले जा रहे हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि हर तरफ से हाहाकार है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब जम्मू के अंदर प्रदर्शन नहीं होते, लेकिन आज ये वीडियो जो आपने देखी, ये बीजेपी के ऑफिस के सामने जो एनवाईसी के एम्प्लॉयज हैं पर वो बैठे हैं, क्या कुछ उन्होंने इस विषय पर कहा, क्या क्या उनकी मांग है, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उन्होंने इस विषय पर पूरा कहा। तो जिस तरीके से मगर अभी तक हमारा कोई रिजल्ट, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया है। कल हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने एग्री किया है, बट हमें लगता है कि अभी तक उस पर कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं लिया गया। तो हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि हमारी कॉल यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, जब तक हमारे लिए इन्हेंसमेंट और रेगुलाइजेशन की पॉलिसी नहीं दी जाती। हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि यहाँ पे युवाओं की बात करते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी बहनें यहाँ पे बैठी हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, और भाई यहाँ पे बैठे हैं। खाली एश्योरेंस से मसला हल नहीं होगा, अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को प्रैक्टिकल रूप में कुछ करना होगा, खाली फेक प्रॉमिसेस से नहीं चलेगा। ना चाहते हैं कि हमने 12 दिन यहाँ पे दे दिए, मगर बड़े अफसोस की बात है अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। बात तो हर कोई युवाओं की करता है, तो हम यहाँ से कहना चाहते हैं और सेंटर तक भी ये अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहते हैं कि आप यूथ की आवाज़ समझते हैं, यूथ का दर्द समझते हैं, आप यूथ की बात करते हैं, तो देखिए जम्मू कश्मीर का यूथ किस तरीके से रोडों पर है पिछले 12 दिनों से। तो हम चाहेंगे कि यूथ के बारे में कोई ना कोई बेटर डिसीजन लिया जाए, क्योंकि ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारे पीएमओ साहब जो हमारे यहाँ से हैं, वो पीएमओ की चेयर पे हैं, तो हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएं। यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ रिप्रेजेंटेशन है, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम रोडों पे आ जाएं। अब हम पीसफुल तरीके से पिछले 12 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं। देखिए कि किस तरह से एक युवा ने वहां पर बातचीत हमारे साथ की है, कितना दुख था इनकी उस आवाज में। उनका साफ तौर पर कहना था कि ना तो कोई हमसे कभी मिलने आया, ना तो हमारी आवाज को कोई सुना जा रहा है, लेकिन सिर्फ झूठे वादे जो है हम लोगों के साथ किए जा रहे हैं। और हम भी ये आप लोगों से अपील करते हैं, प्रशासन से जी हम अपील करते हैं कि इस तरह से अगर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर यूं ही प्रदर्शन चलते रहें, तो हमारे देश और हमारे युवाओं का
क्या होगा। हम ये अपील करते हैं पीपी न्यूज लाइन के माध्यम से भी कि आप लोग जरूर इन सब पर ध्यान दें ताकि हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो खुशहाली की राह पर चले और हमारा देश जो है वो मजबूती की राह पर चले। देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन जम्मू से।